प्याज और लहसुन में काफी औषधीय और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक गुण होते हैं, लेकिन प्राचीन काल से ही इनको खाने की मनाही है। आखिर इतनी महत्वपूर्ण चीज को खाने के लिए मना क्यों किया गया है? तो आइए जानते हैं आखिर ऐसा क्यों है और किसे प्याज खाना चाहिए और किसे नहीं। हिंदू धर्म के अनुसार भोजन के तीन प्रकार है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। दूध, घी, चावल, आटा, मूंग, सब्जियां जैसे सात्विक पदार्थ हैं। तीखे, चरखे, खट्टे, चटपटे, अधिक नमकीन आदि पदार्थों से निर्मित भोजन राजसिक होते हैं। लहसुन, प्याज, मशरूम, मांस मछली, अंडे आदि से निर्मित भोजन तामसिक होते हैं, जो तमोगुण की बढ़ोतरी करता है। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में भी कहा गया है कि व्यक्ति जैसा भोजन खाता है वैसी अपनी प्रकृति का निर्माण करता है। जिस भोजन को करने से मुंह से दुर्गंध आती हो वह भोजन तामसिक ही माना जाता है। लहसुन और प्याज को राजसिक और तामसिक भोजन में शामिल किया गया है, जो आपके भीतर रक्त के प्रभाव को बढ़ाने या घटाने की क्षमता रखते हैं। अब जानते हैं प्याज और लहसुन नहीं खाने के पीछे का पौराणिक कारण। इसके अनुसार भगवान विष्णु द्वारा राहु और केतु के सिर काटे जाने पर उनके कटे सिरों से अमृत की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गईं, जिनसे प्याज और लहसुन उपजे। चूंकि यह दोनों खाद्य पदार्थ अमृत की बूंदों से उपजे हैं, इसलिए यह रोगों और रोगाणुओं को नष्ट करने में अमृत समान भी हैं। और यह राक्षसों के मुख से होकर गिरी है, इसलिए इनमें तेज गंध है और ये अपवित्र भी हैं। इसका औषधि और मसालों के रूप में सेवन अमृत के समान है, परंतु इसका अधिक सेवन करना तामसिक गुणों को विकसित करना है। इसलिए कहा जाता है कि जो भी प्याज और लहसुन खाता है उनका शरीर राक्षसों के शरीर की भांति मजबूत तो हो जाता है, लेकिन साथ ही उनकी बुद्धि और सोच विचार राक्षसों की तरह दूषित भी हो जाते हैं। इस पौराणिक कथा के साथ साथ प्याज खाने के वैसे भी कई नुकसान कुछ हैं, जैसे ज्यादा प्याज खाने से गैस, डकार और अपच की समस्या हो जाती है, मुंह से तेज दुर्गंध आती है और कफ भी बनता है, इसको खाने से सिर में दर्द भी पैदा होता है और मस्तिष्क में कमजोरी आ जाती है, इसको खाने से मन में बेचैनी बढ़ जाती है और आलस्य भी बढ़ जाता है। यह कामेच्छा बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ हैं। ये ब्लड प्रेशर और हार्मोन्स को प्रभावित करते हैं। प्याज को काटने भर से आंसू आते हैं और इसे कच्चा खाने से जीभ में जलन होती है, तो सोचिए कि शरीर में ये क्या करता होगा। तो दोस्तों, ये थी प्याज और लहसुन नहीं खाने के पीछे की कथा। हमें उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी ही रोचक वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर जरूर प्रेस करें।